Assalamualaikum, नमस्ते, सस्रियकाल, फिर से आपका इस्तकबाल है चैनल शाह स्टोरी आर में। आज हम जा रहे हैं एक एनुअल इवेंट में, और ये एनुअल इवेंट हर साल होता है, मेरे लिए पहली बार है क्योंकि ये मेरा पहला साल है इस कंट्री में और इस साइट पे। तो बोल बच्चन देने से अच्छा है कि मैं आपको लेके चलूं। लेट्स स्टार्ट। शाह नवाज, प्लीज रूह पेट्रोगैस। और फिर प्रिपरेशन खत्म होता है और हम वापस आते हैं। इवेंट है शाम में स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर बार की तरह इस बार भी मैं लेट हूँ, और जहाँ जाना है वहाँ मुझे ऑलमोस्ट पहुँच जाना था, लेकिन अभी मुझे रेडी होना। तो बाय, टेक केयर, रेडियो की बात करते हैं। गुड इवनिंग गाइज, जस्ट ओपनिंग सेरेमनी होने वाली, जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे में ओपनिंग सेरेमनी होगी। नाउ वी हैव टू वेट फॉर ओपनिंग सेरेमनी, देन प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा। हमारा कंपनी भी यहाँ प्रेजेंट कर रहा है। द मेन थीम फॉर दिस इवेंट इज रेस्पेक्ट। सो ओपनिंग सेरेमनी हो गई, उसके बाद आपके भाई को एक चांस मिला अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने का। ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है, फंक्शन चालू है। उस साइड पे कहवाह चल रहा है, और पीछे जो आप देख रहे हो ये यहाँ का स्पेशल ओमानी हलवा है। देखते हैं कैसा प्रोसीजर है। बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स है, कैशू है, और उसमें रेजिंस भी है, एज यू कैन सी। देख के तो किसका मन नहीं करता खाने का, लेकिन कंट्रोल, स्वीट पे कंट्रोल करना है। ओमानी हलवा के स्टॉल के बाद आगे बढ़ के हम लोग पहुंचे कहवाह में। गुला करने के बाद भी हासिल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अफसोस ये रह गया कि हमारा टीम फर्स्ट नॉकआउट स्टेज में ही बाहर हो गया। मुझे लग गई भूख, तो हम गए दलिया में फ्रॉम गन्नम, इसको ओट्स भी कहते हैं। ज़्यादा इसका स्पेसिफिक अरबिक नेम क्या है मैं आपको पूछ के अपडेट फिलहाल देते हैं। करने के बाद हम पहुंचे एक और स्टॉल पे, जहाँ पे कुछ स्पेशल था, क्योंकि मुझे एनिमल से प्यार है, मेरे लिए एक्साइटमेंट वाला माहौल बन गया। गुड इवनिंग गाइस, एक और स्पेशल चीज है यहाँ पे मौजूद है, और देखने नहीं मिलता वो मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट में पहुंचा मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे, जो ओमान के अरबिक कल्चर है उसको डिस्क्राइब किया अच्छा।
लेकिन मुझे वहाँ पे एक बंदे ने अमेज किया। नॉर्मली वो क्या होता है कि ओमानीज को अरबिक आती है और इंग्लिश आती है, इंग्लिश अच्छी आती है, लेकिन उस बंदे ने कुछ ऐसा किया कि मैं थोड़ा स्टंड रह गया कि उसे ये बंदा प्लीज हैव क्योंकि उसने इज्जत दी है इन फौजी को, इन आर्ट्स को, इन चीता को इज्जत दी है। आजकल क्या होता है, हम लोग अपने आप को आदमी आदमी को मारता है, रिजाल इंसान यक्तल इंसान, ह्यूमन किलिंग ह्यूमन, एंड पीपल केयरिंग अबाउट स्मॉल टाइनी बिट्स। वी शुड बी एबल टू रिस्पेक्ट एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड। الاحترام يجب ان يكون جميع من في العالم ار رول موديل القدوه آدرش। सो आज के लिए ओमानी कल्चर पे इतना ही। देन दोस्तों टेक केयर, शब बखैर, सलाम अलैकुम, अपना ख्याल रखना।